ये सीलन की वजह से निकल गया है, जैसे कि बाथरूम हो साइड में और ऐसा सीलन आ जाए। अभी तो देखिए नहीं है, उतना निकल गया है। अब इसको ठीक कैसे करेंगे वही हम आपको बता, दोबारा से पेंट करना है। तो ये जहाँ जहाँ टूटा है इसको आप रिपेयर कीजिए, कहीं पर भी टूटा फूटा उसको बनाए, जहाँ सीलन हो उसको कैसे ठीक करना वही हम मेन बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, चलिए इसको निकालना है। देखिए अभी प्लास्टर ठीक है, सिर्फ ऊपर से पेंट और पुट्टी पपड़ी बनकर निकला है, इसलिए इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, अभी ठीक है कंडीशन। जहाँ प्लास्टर तक बेकार हो जाता है उसको पूरा निकालना पड़ता है। देखो जितना निकल सकता है उतना निकालना है, ठीक है। पत्ती लगाने के बाद अच्छे से छोड़ जाए तो हल्का बर्फ भी लगा लीजिए, ऐसे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बर्फ भी लगा। तो अब हम साफ सफाई कर लें, तब आगे क्या करेंगे वो हम बताएंगे, ठीक है। पत्ती लग जाने के बाद ऐसे एक बार बर्फ लगा दीजिए, उसके बाद कुछ भी करने से पहले इसकी साफ सफाई इस तरीके से, ठीक है ना। हम पहले साफ सफाई कर लें उसके बाद आपको इसके ऊपर जो भी करेंगे बताएंगे। पत्ती से जितना निकलता है निकाल दो खुरच कर, ठीक है। प्लास्टर अच्छा हो तो प्लास्टर निकालने की ज़रूरत नहीं है, देखिए ये भी बहुत मजबूत है इसलिए निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करोगे रिपेयर करने से पहले, चाहे वाइट सीमेंट से करो या बॉल पुट्टी से करो, उससे पहले या तो आप डॉक्टर फिक्सिट का पीडीक्रीट URP पीडीक्रीट लगा दो, ठीक है, हल्का पानी मिक्स करो, या तो प्योर ऐसे खोल के किसी भी डब्बे में लेकर ब्रश की मदद से लगा सकते हो। लेकिन अभी हम इसको नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे इसमें डैम्प प्रूफ, ठीक है। ये पीडीलाइट का है, एशियन का भी आता है, निरोलक का भी आता है, आप वो लगा सकते हैं इसमें। इसमें हम अभी डैम्प प्रूफ करेंगे, जब हम इसमें पुट्टी करेंगे ना, डैम्प प्रूफ जब सूख जाएगा उसके ऊपर जब हम पुट्टी करेंगे तो उसमें हम ये URP पीडीक्रीट मिला देंगे। ये पेंटर लोग यूज करते हैं, जब आप नया प्लास्टर करते हैं ना मकान में तब आप LW+ मिलाएं, ठीक है, ये पेंटर लोग इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अब हम इसमें लगा के दिखाते हैं आपको, और आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी दे सकते हो, वैसे पानी नहीं मिलाना चाहिए लेकिन ज़्यादा गाढ़ा लगे आप थोड़ा सा इसमें पानी दे सकते हो, जैसे कि 1 लीटर हो तो
100-200 ml पानी इसमें डाल सकते हो अगर बहुत मोटा है तो। अब इसी में ही ले लेते नहीं करेंगे, इसलिए अलग एक डिब्बे में थोड़ा निकाल लीजिए, नहीं तो इसमें भी रेत आ जाएगा, ये है ना, इसमें ब्रश टच होगा। ब्रश की मदद से आप लगा देंगे, ये सूख चुका है लेकिन दोबारा कभी सीलन ना आए इसलिए ये करा जा रहा है, क्योंकि उधर बाथरूम है, पहले से आपने लापरवाही करी हो तो ऐसा करना पड़ता है। देखिए जब आप टैंप प्रूफ लगाए ना, तो अगर पहला कोट अगर आप ऐसे चला रहे हो तो दूसरा कोट इस तरीके से चलाना चाहिए, और दो कोट करने से अच्छा होता है, लेकिन हम एक ही कोट करेंगे, क्योंकि जब हम इसमें रिपेयर करेंगे तो उसमें हम पीडिक्रिट URP डॉक्टर फिक्सिट भी मिलाएंगे ना, इसलिए हम एक कोट करेंगे, लेकिन आप अगर करें तो दो कोट लगाएं, ठीक है। देखो इस तरीके से कहीं भी सीलन हो लगा, ठीक है। बॉल पुट्टी 3 बार लेंगे, ठीक है। एक बार प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, ठीक है, हो गया। और इसको अच्छे से मिक्स करो, ये POP और बॉल पुट्टी अच्छे से मिक्स हो जाए फिर इसको पानी से मिलाओ इस तरीके से, थोड़ा थोड़ा पानी डालो और आराम से पेस्ट के जैसा बनाओ, ठीक है। पहले बना लेते हैं उसके बाद बताएं। देखिए जब रिपेयरिंग के लिए बॉल पुट्टी और POP बनाएं, कहीं सीलन हो तो इसको थोड़ा सा डालें, ज़्यादा भी ना डालें, इतना भी ना ज़्यादा डालें कि घिसाई करें तो वो कटे नहीं, ठीक है। इसलिए हिसाब से थोड़ा सा डालना। चलिए अब करके दिखाते हैं, इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। देखिए
पत्ती से भी लगा सकते हैं और गुरुवार से। जब एक बार रिपेयर सूख जाए तो एक बार और इसमें रिपेयर कर सकते हो, इससे क्या होगा दो बार करने से एकदम स्मूथ हो जाएगा। दोबारा जब करेंगे ना स्मूथ हो जाएगा। अच्छा ऐसे वाले रिपेयर देखो, देखिए कहीं कहीं कील होता है या निकल जाता है ना, तो उसको आप एक बार ऐसे बना दो इस तरीके से कहीं पे भी हो। जब दोबारा करेंगे ना थोड़ा ऊंचा नीचे रहेगा ठीक हो जाएगा। या जैसे कि ये देखो कहीं कील या स्क्रू निकल जाता है ना, तो इसको एक बार रफली लगा दो, जब सूख जाएगा एक बार और कर देगा स्मूथ हो जाएगा सब बढ़िया। ऐसे कहीं पे भी हो इतना दिखाने की जरूरत नहीं, ठीक। हल्का नमी है ना कोई बात नहीं, आप एक बार और कर दीजिए क्योंकि ये बहुत मजबूत हो चुका है। एक बार और कर देंगे तो एकदम फिनिश हो जाएगा। देखो बहुत बड़ा टूटा हो ना तो पहले एक बार लगा के छोड़ दो, उसके बाद फिर एक बार।
छूट जाएगा, एक बार और कर देंगे। 20 केजी का 700 रुपये में मिलेगा आपको। आप बाल्टी को खोलेंगे कैसे, इसका तरीका देख लीजिए। इसको इस तरीके से काटना है, काट लिया, थोड़ा सा और काटो। ये देखो लिया इस तरीके से, इस तरीके से खोलना है। और यहाँ पर थोड़ा सा रख दो, ठीक है। क्यों, इसका कारण हम आपको बताते हैं। देखिए ये हो गया। देखिए ढक्कन से पूरा साफ कर लो, या नहीं 10 लीटर में हो जाएगा, बाकी कहीं और इस्तेमाल करेंगे। पहले सीलिंग के लिए बनाते हैं। वायलेट स्टेनर डालेंगे, लेमन कलर है, ग्रीन के अंदर फास्ट एलो, तब इसको बनाएंगे। पहले सीलिंग के लिए बनाते हैं, ठीक है। समझ गया ना, इस तरीके से। और जिसमें भी बनाना है उसमें डाल लो। क्या है एक कमरे के लिए क्या अलग अलग, घोलेंगे तब दिखा देंगे। मिक्स कर लो पहले, पहले सीलिंग के लिए बनाते हैं, इतना ही बहुत है। फर्स्ट वायलेट, ठीक है, ज्यादा नहीं डालना है, हल्का सा। और नहीं डालेंगे, इतने में ही हो जाना चाहिए। अगर यही होता है एमल्शन तो इतना नहीं डाल सकते। थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, ज़्यादा भी नहीं डालेंगे, नहीं पतला ना हो। गर्मी का मौसम है, देखते हैं कैसे बना है। जब हो जाएगा ना पूरा छत तब दिखा लेंगे, अभी कर ले लो। आधे घंटे में शुरू किया, आधे घंटे के बाद हम फिर करते हैं। सर्दी के मौसम में तो 3-4 घंटे भी लग सकते हैं सूखने में, सूखते जाए करते जाओ बस। देखिए बर्नर का भी सिस्टम का कितना फर्स्ट क्लास होता है और फिनिशिंग होता है इसमें। अब पूरा हो जाएगा तो दिखा देना, ठीक है। जब दीवार करने से पहले थोड़ा सा अलग से बचा कर रखना, कहीं दीवार का कलर सीलिंग में चला जाए तो टचिंग कर सको, ठीक है। ऐसे डिब्बा को बंद कर दो, रख दो, अगर कहीं लग जाए तो टचिंग कर देना, वरना किसी और काम में आ जाएगा, डर ना। बस हो जाएगा 2 कोट।
एक किलो डिस्टम्पर में ज़्यादा मोटा चाहिए तो 500 ml पानी मिलाएं, और ज़्यादा पतला चाहिए तो 700 ml तक पानी मिला सकते हो एक किलो डिस्टम्पर में, ठीक है। 500 से लेके 700 ml तक एक किलो डिस्टम्पर में मिला सकते हो। बहुत मोटा है, बाद में पानी मिलाया जा सकता है। डिस्टम्पर सूखने के बाद लाइट होता है, इसीलिए इसका डबल कलर बनाएं, मतलब जितना हमने कलर डाला और इतना ही डालेंगे, तब सूखने के बाद जैसे दीवार पे दिखाई दे रहा है ऐसा ही दिखाई देगा। जब अच्छे से सूख जाए 320 नंबर रेत मार, ठीक है, ऐसे घिस दीजिए एक बार अच्छे से, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखें, जैसे कि ये दीवार प्लेन है, यहाँ पर रिपेयर था तो ये थोड़ा चढ़ जाता है ना, तो इसको थोड़ा ध्यान से घिसाई करिए, बाकी जो ये थोड़ा बहुत उभरा हुआ रहता है ना बीच में, इसको ज़्यादा घिसने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्लेन करना होता है, चिकना करना होता है, बाकी यहाँ पे ठीक से तो जहाँ ज्वाइंट हो जाता है ना एक ऊपर एक चढ़ जाता है, यहाँ ठीक से करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अच्छे से घिस के टचअप कर लीजिए एक बार पेंट से, उसके बाद दो कोट लगा दीजिए सूर्य इस तरीके से। जब घिसाई हो जाए तो जो गिर जाता है ना स्कर्टिंग पे, उसको साफ करो। देखो इस तरीके से एक बार लगा, जब एक जैसा हो जाएगा तभी आप पूरे दीवार में कोट लगा दो। गर्मी के दिनों में ये आधे घंटे के अंदर सूख जाता है। और ये जितना डार्क दिखता है ना डिस्टम्पर उतना रहता है ये सूखने के बाद। सूखने के बाद देखो धीरे धीरे सूख रहा है, एक जैसा हो जाएगा। उसके बाद एक कोट लगाओ पूरे में, जब सूख जाए फिर एक कोट लगाओ, बस हो जाएगा। चाहो ब्रश से भी कर सकते हो और रोलर से भी कर सकते हो, लगाएंगे ना वो भी दिखा देंगे। ऐसे कॉटन वाले रोलर आप यूज कर सकते हैं, इसको डिस्टम्पर में ऐसे डुबो दिया, साइड में रोलर नहीं लग पाता है ना, ऐसे लगा लो पहले। इधर साइड में लगा लिया, जैसे स्विच बोर्ड है, ठीक है, स्विच बोर्ड के चारों साइड में लगा लो पहले। आप लगा रोलर, पहले आड़ा लगा लो एक बार ऐसे, जबरदस्त फिनिशिंग आ जाता है इससे भी। ओके, इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक बार माल उठाओगे एक बार इसमें डिस्टम्पर इतना भर जाता है कि बहुत दूर तक हो जाता है। सुंदर
पे सूख जाएगा ना, इतना सुंदर लगेगा, बहुत सुंदर। सीलिंग के बॉर्डर में डार्क ग्रीन करेंगे, फिजिकली लग्जरी इंटीरियर इमोशन। चलो थोड़ा करके दिखाते हैं बॉर्डर पे, देखो कैसा होता है कलर डार्क ग्रीन, ठीक है ना, करके दिखाते हैं। दो फुट लगाओगे हो जाएगा, दो कोट में हो जाता है। ऐसे ही दो कोट लगा दोगे ना, झकास हो जाएगा, और जब हो जाएगा तब दिखा देना पूरा, ठीक है, अभी रहने दो इतना ही।